रेट था उबर में वो बहुत ही गंदा रेट था। सपोज करो एक मैं ट्रिप लेकर आया था, उसमें मुझे मिले 193 रुपए, उबर ने अपना कमीशन काटा 176 रुपए। मतलब मैं जितना कर रहा हूँ कमा रहा हूँ उससे डबल वो कमा रहा है। वो भी ऐसी चूतिया चूतिया सी बुकिंग आती है बहन चोद, उसमें साढ़े एक से एक चूतिया बंदे हैं, राइट डाल देते हैं कि उनको यहाँ से 220 रुपए में बहन चोद 20-30 किलोमीटर जाना है, कैसे गाड़ी जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है, गाड़ी निकाल रहा हूँ पार्किंग से और अभी बज रहे हैं लगभग 9:30। अभी जाके सीएनजी डलाना है, सीएनजी डलाने के बाद काम पे निकलना है। कल का दिन तो काफी भागा दौड़ी वाला हो गया, लेकिन आज का दिन देखते हैं कैसा जाने वाला है। फिलहाल अभी तो पार्किंग से निकले हैं। कल का मार्केट बहुत ही मंदा था, पता नहीं क्या हुआ था, ड्यूटियां रात में बहुत ही आना ही बंद हो गई। जो लोग भाई रात में काम करते हैं उनका काम कैसे चलता होगा, क्योंकि जब दिन में ड्यूटी नहीं आ रही तो रात में ड्यूटी कहाँ से आएगी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और सुबह उठना यार 7 बजे उठ जाना, उसके बाद फ्रेश होना, उसके बाद गाड़ी तक आना और फिर काम पे निकलना। यानी सुबह जल्दी जितनी कोशिश करो ना निकलने की उतना हो ही नहीं पाता, क्योंकि कम से कम बंदे को 1-1.5 घंटा तो भाई चाहिए होता है कि वो फ्रेश होने में एंड नहाने धोने में जो भी सारी चीज़ें लगाता है उसके बाद ही वो निकल पाता है। तो ऐसे मेरा सीन है, सुबह मैं 7 बजे उठ गया था और गाड़ी में आते आते अभी 9:30 हो गया। तो अभी देखते हैं यहाँ से सीएनजी डलाते हैं, आगे जा रहे हैं सीएनजी पंप पे। तो सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है, आज भगवान से दुआ करेंगे आज का दिन अच्छा जाए, और कोई 2-3 पर्सनल ड्यूटी अगर मिल जाती तो मज़ा आ जाता है। कल एक भी पर्सनल ड्यूटी नहीं लगी, और ख़ास तौर पे जो रेट था उबर में वो बहुत ही गंदा रेट था। सपोज करो एक मैं ट्रिप लेकर आया था, उसमें मुझे मिले 193 रुपए, उबर ने अपना कमीशन काटा 176 रुपए। मतलब मैं जितना कर रहा हूँ कमा रहा हूँ उससे डबल वो कमा रहा है। उसके उस ट्रिप में ऐसा हुआ, उसके बाद एक ट्रिप आई सरिता विहार की, उसमें भी ऐसा ही हुआ, 299 रुपए मुझे मिले हैं, 149 रुपए उसने खुद काट लिए हैं। मतलब ये क्या है यार, मतलब इतना कमीशन कैसे काट सकते हो आप लोग। तो इसके लिए अभी तो फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, देखा जाए मार्केट में। इन ड्राइवर है तो इन ड्राइवर भी ऐसी चूतिया चूतिया सी बुकिंग आती है बहन चोद, उसमें साढ़े एक से एक चूतिया बंदे हैं, राइट डाल देते हैं कि उनको यहाँ से 220 रुपए में बहन चोद 20-30 किलोमीटर जाना है, कैसे गाड़ी जाएगी। तो मैंने आज सुबह न्यूज में देखा, न्यूज में क्या फोन में ही था, मेरी न्यूज थी उस अखबार में ही देखा मैंने कि एक भारत की कंपनी है जो नमा करके है, अभी बैंगलोर में ही चल रही है, 0% कमीशन पे चल रही है और धीरे धीरे वो ऑल ओवर इंडिया में अपना सर्विस देगी। तो प्रे करते हैं भगवान से वो जल्दी से इन दिल्ली में आ जाए, क्योंकि वो भारत सरकार की है और उसमें कमीशन नहीं है तो सबसे अच्छा है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताए। चलिए दोस्तों सीएनजी डला लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कोई ट्रिप कहाँ की आती है। दोस्तों एक बुकिंग आ गई थी मेरे पास मित्राओं गांव की, नजफगढ़ के पास में पड़ता है, लेकर आके मतलब 27 किलोमीटर गाड़ी चली है, 27 से 28 किलोमीटर, और पैसा दिया 458 रुपये। इंटरसिटी में थी तो कमीशन 50 रुपये ही काटा, वरना कमीशन तो इसके तगड़े चल रहे हैं आजकल उबर के। अब यहाँ बैठे हैं, कोई ड्यूटी नहीं आ रही है, एक दो ड्यूटी आई थी लेकिन वो चांदनी चौक या ऐसे थी कि वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे मुझे लगते जाने जाने में, तो मैंने लिया नहीं। मैंने चलो ठीक है कोई अच्छी सी ड्यूटी आ जाए फिर लेके निकलता हूँ। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ से कब ड्यूटी आती है और कब हम यहाँ से निकलते हैं। अभी दोस्तों मैं बैठा हूँ द्वारका के अंदर, और अभी एक भाई मिले थे, दिल्ली वनाटी गाड़ी थी, वो खाली ओला उबर उनका दोनों बंद है, इन ड्राइवर चालू है, खाली इन ड्राइवर ही चला रहे हैं। कह रहे भैया कि पैसा ये सही दे रहा है इन ड्राइवर, प्लस कमीशन भी कम काट रहा है। उनके पास कोई डिवाइस नहीं थी, मैं सोच रहा था उनका एक शॉर्ट वीडियो बना लूं, लेकिन वो तब तक उनकी भूखी उठ गई और वो चले गए। ठीक है दोस्तों ये फाइनली अपडेट है अभी का, तो मैं अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ। टाइम अगर देखा जाए तो 9:30 हो चुका है और लगभग 3 से 4 घंटा मैं फरीदाबाद में फंसा रहा, कोई बुकिंग नहीं आ रही थी, वहाँ बैठे बैठे हालत एकदम ख़राब हो गई। फिर एक बुकिंग आई सफदरजंग इनक्लेव की, तो उसको मैं ले आया,
और आज बहुत ज्यादा मेहनत हुई, भागा दौड़ी भी काफी हुई, बट काम तो बिल्कुल नहीं हुआ, माइलेज भी गाड़ी ने नहीं निकाला। सो आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, बहुत दिमाग खराब हो चुका है आज का, काम है ही नहीं मार्केट में, ऐसा लगता है कि बुकिंग नहीं आ रही थी। फरीदाबाद में यार 4 घंटे बैठना, 4 घंटे में कोई बुकिंग ना आना मतलब हो जाता है, तो इसीलिए अब तो मैं घर जा रहा हूँ। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा घर पहुँच के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।